फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि चकिंग कैसे ठीक करें, मतलब भट्टा बॉल कैसे ठीक करें। मोस्टली बॉलरों की क्या दिक्कत होती है कि वो भट्टा फेंकते हैं, कभी कभी सर्क मारते हैं। तो मैं सिर्फ आपको एक ही ड्रिल बताऊंगा, इससे आपकी जो भट्टा फेंकने की प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो एक हफ्ते या 10 दिन में आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हो। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ आप लोग गलती क्या करते हो। आप कभी ध्यान देना, आप लोग क्या करते हो जब आप बॉलिंग कराते हो, लास्ट टाइम में जब आप बॉल डिलीवर करने वाले हो, तो जो आपकी रिस्ट होती है आप उसे ऐसे मारते हो, आपको रिस्ट को रिलीज करना होता है। पर आप लोग क्या गलती करते हो, आप यहाँ पे लाके ऐसे मार देते हो। कुछ प्लेयर क्या करते हैं, वो पूरा ही ऐसे मारते हैं, जो खासकर बिगनर होते हैं या बॉलिंग सीख रहे हैं पर ठीक नहीं हो पा रही उनकी ये प्रॉब्लम। आपको सिर्फ एक ड्रिल करनी है। आपको क्या करना है, आप या तो कॉस्को की बॉल लो या लेदर की बॉल लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहले सिर्फ एक जगह नॉर्मल खड़े हो गए रनअप पे, आपको सिर्फ हाथ घुमाने की आदत करनी है, बॉल को रिलीज नहीं करना, सिर्फ पूरा ऐसे हाथ को घुमाना है, ऐसे रोटेट करना है। आप ऐसे भी कर सकते हो या आप एक बॉलिंग एक्शन में भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके जो हाथ घुमाने की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। और ये आपको कंटिन्यू करनी है, ये नहीं कि आपने एक दिन करी और एक दिन में ठीक नहीं हुआ तो आप सोचोगे नहीं होगा। अगर आप करोगे तो इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। फिर साथ में आपको क्या करना है, फिर आपको धीरे धीरे बॉल को छोड़ना है। कुछ दिनों बाद आपको यही एक ही जगह खड़े होके बॉल को छोड़ने की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे लाके आप बॉल को बस रिलीज कर लो, आपको जान नहीं लगानी। ये नहीं कि आप पीछे रनअप से भाग के आओ और पूरी तेज सोचो कि मैं अब तेज कराने लगूंगा, नहीं। आप एक दो स्टेप ले सकते हो, एक दो स्टेप से भाग के आओ और आराम से बॉल को रिलीज कर दो। ऐसे ऐसे आपको धीरे धीरे रनअप बढ़ाना है और आप देखोगे कि आप में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी। जो आपकी भट्टा फेंकने की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और कुछ बॉलर ऐसे होते हैं जो लेदर बॉल पे भी ये दिक्कत करते हैं, कभी कभी वो यहाँ से लाके रिस्ट मार देते हैं। ज़्यादा रिस्ट मारना ठीक नहीं है। और कुछ क्या करते हैं, बिल्कुल यहाँ से लाके एंगल कर देते हैं हाथ का, यहाँ से पूरा 90 कर देते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा कि प्रॉपर बॉलिंग एक्शन क्या होता है, कितने एंगल से आपको बॉल फेंकनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा नीचे से फेंकोगे या ज़्यादा हाथ बैंड होगा तो उसमें क्या दिक्कत है, वो एक अलग टॉपिक है। अभी सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है कि आपको भट्टा ठीक करनी है, तो आपको यही ड्रिल करनी है दो, और ये आपको रेगुलर करनी है। आप देखना एक हफ्ते बाद आप वीडियो बनाना अपनी, एक आज की बनाना और एक आप एक हफ्ते बाद बनाना वीडियो, रोज करके आप खुद इम्प्रूवमेंट देखोगे।